खुश है मसीह की। परमेश्वर एक बार और परमेश्वर आपके सामने इस बाइबल स्टडी में प्रचार करने वचन को अध्ययन करने के लिए परमेश्वर एक बार और मौका दिया है। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जरूर हम लोग लगातार पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं और अभी तक हम लोग छः विषय को यानी पवित्र आत्मा का फल के बारे में हम लोग छह बातों को हम लोगों ने अध्ययन किया। आज सॉरी सात अध्ययन किया, आज आठवां बातों को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं यानी एक फल नौ गुण है ना। कि आज हम लोग नम्रता के बारे में जेंटलनेस और एक और ट्रांसलेशन में मीकनेस ऐसे करके दिया गया इंग्लिश में, तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। लगातार हम लोग सात विषय के बारे में हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। आज एक गुण आठवां गुण के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है नम्रता। नम्रता का मतलब हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, एकदम धीर होकर के नम्रता होकर के कोई शब्द नहीं बोलेंगे, कोई भी बात करेगा कोई मारेगा है ना, कोई जायजा कर देगा, हम लोग नम्र होकर के रहना है। नम्रता में जैसे कि होता है धीरज होता है, नम्रता होता है, दयालुता होता, मतलब ये सब देखते हैं सब आसपास में ऐसे ही एक जैसा रहे है ना। इंग्लिश में जेंटलनेस यानी जेंटलनेस का मतलब क्या है कि एक उदाहरण देते हैं, जेंटलनेस इज ए स्ट्रॉन्ग हैंड विद अ सॉफ्ट टच। जेंटलनेस इज अ स्ट्रॉन्ग हैंड विथ अ सॉफ्ट। मान लीजिए एक बच्चा को हम लोग रास्ता पे ले जा रहे हैं, एक कोई बड़े आदमी माँ या पापा या कोई बच्चा को रास्ता में पकड़ के ले जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा 3 साल 5 साल का बच्चा है, उसको हम लोग हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। पिता का तो हाथ एकदम स्ट्रांग रहता है ना, उनको कह देंगे 10 या 100 किलो का मुठ्ठी उठा लो, उठा सकते हैं है ना। लेकिन इस बच्चा को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, जरूर ये स्ट्रांग है, इज अ स्ट्रांग मैन, बट उनको कैसे हैंडल करना है, सॉफ्टली, नहीं उसको कुछ नहीं होना करके तो घसेट के एकदम का पकड़ के खींच के ले जाएंगे। क्या करेंगे, जितना हिसाब से उस बच्चा को हम पकड़ना है उतना ही पकड़ेंगे। ये नहीं है एकदम ऐसे कस के पकड़ लेंगे कि उस बच्चा को दर्द हो रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, बच्चा भागे नहीं, ये बच्चा कहीं कुछ नहीं होना सोचकर हम उसके तो कस के पकड़े हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उस बच्चा को दर्द हो रहा है। लेकिन हम क्या करना, जरूर उसको पकड़े हैं, उस हिसाब से पकड़िए उस बच्चा को दर्द भी ना हो और वो भागे भी, वो कहीं वहीं से गिर भी ना जाए है ना। कि वही है जेंटलनेस का मतलब, यही होता है, इज अ स्ट्रॉन्ग, जेंटलनेस इज अ स्ट्रॉन्ग हैंड विद अ सॉफ्ट टच। कोमलता जो है, कोमल स्पर्श वाला एक मजबूत आंख है, ठीक है, कोमल स्पर्श वाला एक मजबूत आंख। हम देखते हैं कि बाइबल में कई लोगों के बारे में जिक्र है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं बताएं, पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय का 29 पढ़ेंगे। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में धीर हूँ। परमेश्वर मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में धीर हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं, वो नम्र और क्या है, धीर है, और कहते भी है कि तुम अपने मन में विश्वास
पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में बताते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? गिनती 12 का 3 पढ़ेंगे। गिनती 12 का 3, मूसा तो पृथ्वी पर के रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, मूसा के बारे में क्या लिखा है? पृथ्वी भर में, थोड़ा सा सोचिएगा, मैं सचमुच कहते हैं जरूर इट्स नॉट सो इजी, बहुत इसके बारे में अध्ययन करने के लिए मैं इतना दिन मैं उसको सबसे पहले मैं अपने आप को तैयार कर रहा था इस प्रचार को, यानी इस वचन को, इस स्टडी को तैयार करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, क्योंकि नम्रता जो शब्द जो है कि वो सबसे पहले जो प्रचार करने वालों या जो समझाने वाले का अंदर वो चाहिए, है कि नहीं? यदि हमारा अंदर ना होकर के हम दूसरों को सीखे तो वो बेकार हो जाएगा। लेकिन आज हम परमेश्वर से हम सिखाते भी है और सीखते भी है और परमेश्वर से मांगेंगे भी कि परमेश्वर हमारा अंदर वो जेंटलनेस, वो नम्रता, वो हमारा अंदर दीजिए परमेश्वर करके हम कहें। यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, जरूर उन्होंने कहा कि मैं कैसा हूँ, नम्र, दीनता, मुझसे सीखो। यीशु मसीह कहते हैं मुझसे लर्न फ्रॉम मी। आपको मालूम होना चाहिए नम्रता मतलब ये नहीं है कोई आकर के हमारा सामने कुछ हो रहा है या कुछ गलती हो रहा है, हमारा घर में बच्चा है गलती करता है, बच्चे तो गलती करते हैं, उस बच्चे का बकवास जाकर 3 साल बच्चे को जाकर के हम जैसे 60 साल या 50 साल आदमी सबको डांटने के लिए नहीं डांट सकते, वो उसे हैंडल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया जेंटलनेस इज ए स्ट्रॉन्ग मैन विद सॉफ्ट टच। जरूर उस बच्चा हो उसको हम जाकर आदमी को डांटने के जैसा, बड़ा आदमी को डांटने के जैसा हम नहीं डांट सकते हैं। गलती होती है जरूर, उसके लिए हम क्या करना है, हाँ गलती कर दिए हम नम्र है, नहीं डांटना है, छोड़ देना, ऐसा भी बात नहीं है। जब यीशु मसीह मंदिर में गया हुआ क्या, लोगों ने उस मंदिर को क्या बना कर रखा था, बेचने के लिए, एकदम बिजनेस बना करके मंदिर के अंदर क्या कर रहा था, लोग ये व्यवहार कर रहे थे। यीशु मसीह क्या किए, बहुत शांत से क्या किए, बहुत धीरे से वो क्या किया, उस जाके बोल क्या बोलते उसको, रस्सी को वो अच्छे से उसको बना करके फिर एक एक करके क्या किया, यीशु मसीह जाते ही पूरा धमाल धमाल नहीं किया, गया देखा, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर, उनके अंदर ऐसा हुआ कि परमेश्वर को दुख लगा, प्रभु कहता मैं नम्र हूं दीन हूं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जरूर नम्र और दीन अपने बारे में पता है, लेकिन वहां पर जब अन्याय को देखा यीशु मसीह वहां पर नम्र जैसे नहीं रहे, दीन सा एकदम सॉफ्ट नहीं रहे, लेकिन उसके साथ जैसे डील करना चाहिए वैसे डील हुई, है कि नहीं? कि हम यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के बारे में हम जानते हैं, मूसा के बारे में परमेश्वर ने कहा कि उनका जैसा पृथ्वी में कोई मनुष्य नहीं है। जब प्रवेश जब परमेश्वर ने मूसा से कहा फिर उनके पास जाके बात करने के लिए, फिर उनके पास राजा फिर भेज दीजिए ऐसे करके जाते हो, दीनता के साथ ऐसे किया होगा नहीं। जहां पर जरूर दीन व्यक्ति है, जरूर नम्रता है, लेकिन वहां पर जिस शब्द से उनसे बात करना है वो बात करके वहां पर क्या किया, राजा के पास यानी फिरौन के पास जा करके वो अपने आप को पेश किया, है कि नहीं? कि जरूर जब जितने लोग उनके साथ थे सब कोई एकदम कठोर और ढीले थे, एकदम बहुत कैसे थे वो लोग, ये नहीं थे नम्र वाले नहीं थे, बहुत वो लोग कठोर वाले थे। जब मूसा 10 आज्ञा को लेके आया क्या हुआ, क्या किया नम्र से, अच्छा गलती कर दिया, ऐसे करके नहीं किया, वहां पर अपना एक्शन को क्या किया, दिखाया, कैसे किया, उसको जरूर गुस्सा भी आया, उसको दुख भी लगा, तुरंत क्या किया उनके हाथ में जो ये बना के लेके आया तो उसको क्या कर दिया, फेंक दिया, है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब कि जरूर हमारा अंदर परमेश्वर चाहता है, नम्र दिल वाला परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनके साथ परमेश्वर बड़े बहुत वचन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, कोमलता
पौलुस के बारे में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 10 का 1 पढ़ते हैं। पौलुस क्या कहता है अपने बारे में? मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। कभी कभी पौलुस भी क्या किया, लोगों को समझाने के समय जरूर नम्र व्यक्ति था, वो कोमलता से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन जब लोगों के सामने वचन को प्रचार करने के समय वो क्या हो जाते थे, एकदम सच्चाई को सच्चाई के रूप से उन्होंने प्रचार करके अपने बारे में प्रभु के बारे में वहां पर जिक्र किया है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। एक समय था बहुत क्रोध था, मारपीट का काटकूट करता था, लेकिन अभी मारपीट नहीं, लेकिन लोगों को जिस तरीका से समझाना हुआ वचन के द्वारा लोगों को क्या किया, थोड़ा सा सावधानी करके, सावधान करके कुछ ऐसे शब्दों को डाल करके लोगों को भी क्या किया, समझाया करता था। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जरो धीरे जेनी सामान जो नम्र और मन वाला हमको परमेश्वर क्या करता है, बहुत आशीष देता है। परमेश्वर उनके बारे बहुत वचन हम पढ़ेंगे, वचन संहिता 37 का 11 वचन पढ़ेंगे, 37 का 11 37:11। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद पाएंगे। हालेलुया। नम्र लोग क्या करेंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। ना केवल वो है और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। कि हमें जेंटलनेस का मतलब ये नहीं है कि हम अपना रूप को दिखा कर, जैसे मैंने बताया एक छोटा बच्चा को जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा हैंडल करते, वहां जाके आक्रोश होकर के गुस्सा से बोल दिए, उसको जेंटलनेस नहीं कहा जाता है। एक कहते हैं, एक है धीरज होता है। धीरज क्या होता है, उनके अंदर धीरज है, एकदम शांत है, आशा है, हाँ जी। कोई कोई जाते हैं ना जैसे मालिक के सामने एकदम। यहाँ पर जेंटलनेस का मतलब यह है कि जरूर हमारे सामने कोई चीज अन्याय हो रहा है, उसके लिए हमें बात करना जरूरी है कि नहीं। कि हम लोग भी चर्च में या घर में या कभी काम ऐसा कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको कभी कभी इतना आक्रोश हो करके क्या हो जाता है, उनको एकदम दबा के, उनको ऐसा डांट के, उनको दिल को चोट पहुंचाने की जैसा कई बार हम हो जाते हैं। उसके बाद बैठ कर सोचते हैं मुझे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। उसी बात को हम क्या करना है, उसको हमें एकदम नम्रता के साथ साथ क्या करना है, उसे हैंडल करने से परमेश्वर जरूर उस काम को क्या कर सकता है, वो ठीक कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने इसको अध्ययन करने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा ही क्या, क्योंकि कभी कभी हाँ मनुष्य होने के नाते हमसे नहीं होता है, एकदम आक्रोश हो जाते हैं, एकदम चिल्लाने लगते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, लेकिन उसी बात को कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि उसी बात को हम क्या कर सकते हैं, नम्रता के साथ, एक धीनता के साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल करना चाहिए। और एक और वचन पढ़ेंगे 147 का 6 पढ़ेंगे, उसी में वचन संहिता 147 का 6 147:6। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है, और दुष्टों को भूमि पर से क्या कर देता है, गिरा देता है। 149:4 पढ़ेंगे, उसी में 100 भजन संहिता 149:4। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है और नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें सौभाग्यवान करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है और नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें सौभाग्यवान करेगा। नम्र लोगों को परमेश्वर उद्धार करके उन्हें सौभाग्यवान करेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि नम्र वालों के बारे में नीति वचन 15 का 1 पढ़ेंगे, नीति वचन 15 का 1। कोमल वचन सुनने से गुस्सा ठंडा होता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। जैसे मैंने बताया कि जरूर घर में या कहीं कनिशा में या जहां काम करने के जगह में या कहीं भी क्या हो जाता है, गलती होता है, वहां जा करके हम क्या कर देते हैं, इतना गुस्सा में भड़क जाते हैं, एकदम जितना बोलना चाहे
अपन बोल करके उनको वहां से हटाने के जैसा हो जाता है। कभी कभी हो जाता है ना, मैं वहां नहीं रहूंगा, क्यों? बहुत डांटता है बहुत। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसी को हम डांटना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है उसको पोता पोती क्या बदलीबा पोती करके अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। जरूरी है उस हिसाब से ही उनको हम बता सकते हैं, बुद्धि के साथ उनको उसके साथ हम कार्य कर सकते हैं, जिससे उनको ज्यादा छोट बेटा तुमने किया है, तुमने जो किया है वो गलत है, देखो यहाँ पर जो तुम किए हैं ये गलत है, ऐसे करके हमें समझाना बहुत जरूरी है। यानी क्या है कि कोमलता उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। हालेलुया, एकदम जल रहा है, एकदम ये हो रहा है, एकदम अभी खत्म हो जाए बस कर, उस समय जा करके धीरे से उनसे बात करने से क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन परंतु क्या कटु वचन से क्रोध धधक उठता है, एकदम कठोर वचन से क्या हो जाता है, वहां पर क्रोध बहुत ज्यादा, नहीं नहीं ऐसा हम क्या करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, हम घर के ही दिखाएंगे। क्या करता है, कोई भलवा करने लगते हैं। हालेलुया, क्या हम देखते हैं उसी में नीति वचन 25 का 15 पढ़ेंगे, 25 का 15। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ देता है। हालेलुया, कि हम उस हिसाब से यानी धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी, कितना भी बड़ा कठोर व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा दम हड्डी टूट नहीं सकता है, उसको भी वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। हम गलत किए, मैं पापी हूँ, मैं इसे मन फिराना चाहता करके लोग क्या करेंगे, उसे अपने आप परमेश्वर के पास आने के लिए एक मौका मिलता है। नहीं तुम पापी है, तुम बियरगढ़ है। एक चर्च में क्या हुआ, एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, ठीक है, प्रचार करने के समय क्या हुआ, वहाँ एक विश्वासी बपतिस्मा लिया विश्वासी को फोन आ गया, ठीक है। फोन आने के बाद क्या हुआ, पास्टर को जितना डांटना है उतना डांट दिया, क्या कर दिया, ऐसा व्यक्ति को तुमको थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है, आराधना चल रहा है, तुम ऐसा कर दिया ऐसा कर, तो इतना डांट दिया उसको, बहुत चोट लग गई किसको, विश्वासी को। बस आराधना खत्म हुआ, सीधे चले गया बाहर। फिर पास्टर यहाँ डांटना बंद हुआ तो नीचे जाने के बाद पत्नी रास्ता भर डांटते गए और उसको बहुत, अरे क्या हो गया, गलती से वो स्विच ऑफ करना चाहे वो सरेंडर करना भूल गया, लेकिन उसकी इतना डांट दी है। उसी को हम बोल सकते थे कि भाई कि थोड़ा सा ऑफ कर लो, सेलेक्ट कर लो, ऐसा कर दिया, लेकिन इन्होंने इतना डांट दिया और रास्ता भर पत्नी डांट के गई, गुस्सा से घर गया, उसको मन टूट गया था, एक छोटा सा गलती हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इतना हमको डांट सुनना पड़ा। इसीलिए वो क्या कर गया, शाम को वहां उसके घर के बगल में एक बार क्या था, शराब भुटकाना, शराब जो पीने का जो बार बोलते हैं ना वो था, वहां जाकर के वो शराब पीने गया। उधर देख रहा कोई डांटा नहीं है, कोई उसको ये नहीं किया, क्या कर रहा, क्यों पी करके एकदम ये कर रहा, वो उठा पेटी कर रहा, गिर रहा का तो कोई नहीं पूछा, इतना पी लिया, वहां उल्टी कर रहा, उठ रहा, बैठा, वहां लोगों ने आकर मदद कर रहा, अरे भाई गिर गया कर, उसको उठा कर खड़ा कर दिया, घर तक ला के पहुंचा दिया। वो आकर के अपने पत्नी से बोला, मैंने एक छोटा सा गलती की है, इतना डांट ढूंढा, मैं शराब पीने गए, कोई मुझे वहां डांटा नहीं, मैं उठते वहां। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जितना हमारा शब्द से किसी को इतना चोट लग जाता है, वो क्या कर देते हैं, वो प्रभु से अलग हो सकता है। या देख लेकिन हम नम्र जो दिल है, कठोर जैसा हड्डी एकदम स्ट्रांग जैसा भी रहेगा, वो टूट सकता, पिघल सकता है। हालेलुया, पहला पत्रस 3 का 15 पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 का 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए क्या करना है, सर्वदा तैयार रहो। वहां जाकर के अपना
साथ ही साथ नम्रता और भय के साथ कैसे कबो जवाब देना उसके साथ नम्रता और भय के साथ उसको क्या करना है हमेशा उसके साथ ऐसे जवाब देने से उसका मन में भी लगेगा कि हाँ कभी कभी क्या होता है कभी कभी हम लोग भी ये हो जाते हैं बार 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 कोई एक ही प्रश्न पूछते रहेंगे तो क्या हो जाता है दिमाग गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है अरे चलो यहाँ से क्या उसी को बार बार पूछते रहते हैं कभी कभी हो जाते हैं ना तो यहाँ पर उसी को अच्छा ठीक है बात में बताएंगे समझाएंगे ऐसे बोलने से क्या होगा उससे वो भी समझेंगे कि हाँ ठीक है फिर एक और वचन पढ़ेंगे कि तीतु तीन का दो पढ़ेंगे तीतु तीन का दो किसी को बदनाम ना करे झगड़ालू ना रहो पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे हालेलुया किसी के साथ हम क्या नहीं करना है बदनाम नहीं करना है और झगड़ालू भी नहीं ना कभी काम करने के जगह में हो सकता है या कहीं पढ़ने के साथ जगह में हो सकता है रास्ते में गाड़ी में बस में हम लोग आने के समय कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी को बदनाम ना करे झगड़ालू ना हो पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो हालेलुया परमेश्वर से जरूर हमने बोला इट्स वेरी हार्ड ये हो नहीं सकता है वो जरूर हम लोग आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मैं नम्र हो जा मैं कोमलता का साथ हमें उसको प्रैक्टिस में लाना है प्रभु से कहना है प्रभु से कह करके उसको हमको क्या करना है अभ्यास में लाना है और पढ़ेंगे पहला तिमोथी तीन का ये सेवकों के लिए ये शब्द जो है तिमोथी में और तीतु में लिखते हैं कि पौलुस लिखता है तिमोथी तीसरा अध्याय मारपीट करने वाला ना हो वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो एक सेवक का गुण वैसा होना चाहिए वैसा सेवक को हम समझना है हाँ ये इनके अंदर इनका ऐसा स्वभाव है कोमलता इनके अंदर है ना झगड़ालू है और इनके अंदर कोई प्रकार की लोभी है नहीं है ऐसा करके हमें देखना है और वो यदि आने वाला दिन में कोई सेवक भी सुनेंगे उन लोगों के लिए भी यही कहते हैं पिए कड़क और एक दो तीन और पढ़ेंगे ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वो भले काम की इच्छा रखता है और सोचिए कि अध्यक्ष निर्देश और एक ही पत्नी की पति संयमी सुशील सब है पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण होना चाहिए एक सेवक अब उनके बारे में इसमें लिखा है और पियकर और मारपीट ना करना है वो सेवक लोग क्या करते हैं बाहर आने के बाद बहुत अच्छा से विश्वासी से हाँ हाँ वो वैसे बात करेंगे घर में जाने के बाद क्या करते हैं अपने पत्नी बाल बच्चों से मुंह बना करके एकदम टाइट रहेंगे वैसा हमें नहीं रहना चाहिए है कि नहीं कि यहाँ लिखा है कि जरूर हम चर्च में आने के बाद एकदम हम कोमलता है बहुत दीन है बहुत एकदम खुशी खुशी से सबसे बात करते हैं घर में जाने के बाद हमें कोई हमारे पास नहीं आना है मैं प्रार्थना में हूँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ ऐसे करके कोई सेवक नहीं करना हालेलुया और लिखा छह और ग्यारह छह का ग्यारह में पढ़ेंगे उसी में छह का ग्यारह पर हे परमेश्वर के जन तो इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर किस किस पीछे से भागना है उसके ऊपर आप पढ़ेंगे ना उसमें आपको मालूम होगा कि पैसा का लोभी हर प्रकार की क्या होता है रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है जिसे प्राप्त करने वाला का प्रयत्न करते हुए कितने ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बन लिया है जिसके तंदी से निकला पर ये परमेश्वर के जन हालेलुया इन बातों से क्या करना है भागना है लेकिन तुमको कैसे रहना है अब धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता हालेलुया नम्रता का
पीछा करना, आओ किसी के पीछा नहीं, पैसा का पीछा नहीं। उसके पीछे जाने से हमें क्या मिलेगा? पैसा मिल सकता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर धर्म नहीं मिलेगा। हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम इन सारे बातों को छोड़ के नम्रता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता के साथ रहेंगे, इसका पीछा करेंगे, ऑटोमेटिकली सब हमारा पीछे आ सकता है। हालेलुया। और पढ़ेंगे एक दूसरों के साथ हमें कैसे रहे, इफिसियों 4:2 पढ़ देखते हैं, एक दूसरों के साथ हमारा स्वभाव कैसे रहना चाहिए। सारे चिंता नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की शरण लो। एक आगे से करना है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे से क्या करना है? सह लेना है। धीरज धरकर एक दूसरे से क्या करना है? हमें सह लेना। कई प्रकार के लोगों के बीच में हम जाते हैं, कई प्रकार के लोगों के बीच में हम रहते हैं, उसके साथ प्रेम और धीरज के साथ उनके साथ हम क्या करना है? सह लेना है। तो साथ ही साथ अधिकारियों के साथ कैसे रहना करके तीतु बताता, पढ़ेंगे 3:1-2। तीतुस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हरेक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हालेलुया। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ। हालेलुया। हमें चलाने वाला हमारा अधिकारी, उनके साथ भी क्या कहते हैं वचन में लिखा है, उनके साथ नम्रता के साथ रहो। हालेलुया। कि और एक लेडीज यानी एक औरत को कैसे रहना करके तिमोथी बताते हैं, 1 तिमोथी 2:11। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि स्त्री ही ना उपदेश, यहाँ पर लिखा ना उपदेश करे और ना पुरुष को आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बना। यहाँ पर लिखा है उसको ऊपर नहीं नौ वचन पढ़ेंगे, वैसे स्त्रियां भी संकोच संकोच और संयम के साथ सुहावे वस्त्र से अपने आप को संवारे, न के बाल गुंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से और परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों की यही उचित भी है। यही भक्ति करने वालों के लिए यही उचित है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन के द्वारा हम देखते हैं, लाइफ ऑफ जीसस जेंटलनेस, यीशु मसीह का नम्रता के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ के समझा चुका हूँ। मत्ती 5:39। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने कान पर थप्पड़ मारे, हालेलुया, थोड़ा सा सोचिए, जो कहीं तुझे क्या करेगा, एक थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर दे। क्या करने के लिए प्रभु बोल रहा है? दूसरा भी नम्र, नम्रता, वहां पर झोंक करके मैं स्ट्रांग हूं तुमसे बड़ा हूं करके वहां पर उल्टा मारेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तुम क्या सोचता है हमसे? तुम क्या, हम तक हम नहीं है, मैं कहां का हूं, क्या हूं, मेरे क्या है, मेरे गोत्र क्या है, मैं किस गांव का हूं, मैं यह हूं, वहां दिखाने से परमेश्वर वहां पर प्रभु यीशु मसीह जरूर हमें जेंटलनेस सिखाया और वो हमें नम्रता के साथ रहने के लिए सिखाते। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने मारा, सूली पे चढ़ाया, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। वो क्या किया? वो सह लिया। वो यीशु मसीह क्या कर लिए? वो सह लिए। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है मेरे जैसे चेक, पर वो कहता है कि मेरे जैसे तुम क्या करो, तुम करो। वहां उस वचन में लिखा था, पढ़ेंगे एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 11:29 पढ़ेंगे, मेरा जो अपने और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव
भाव है, नम्र और मन में उदीन है। और ये भी कहते हैं एक घर पे मारेंगे तो क्या करना है, दूसरा गाल को दिखा के मारिए करके क्या करना हो जाएगा, हम लोग से हो पाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा की अनुग्रह चाहिए, इसीलिए पवित्र आत्मा की अभिषेक हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जो डाला है उससे हम मांगने से प्रभु हमारा अंदर वो नम्रता और दीन हमारा अंदर दीजिए स्वामी। कोई सुसमाचार का निमित्त हम मार कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, सह लेना है ना। चलो अन्याय कर रहा है, इन सब बातों में हम अपने आप को आक्रोश होकर के वहां अपना ताकत को नहीं दिखाना, इसका मतलब हम कौन है, पुराना मनुष्य, हम मेरे अंदर वो पुराना स्वभाव अभी भी है जिसके चलते हम क्या कर रहे हैं, एक वो मार दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि एक गाल में मार दिए, किसी को मार दिए, हमारे ही पास्टर के साथ हुआ है कि वो एक बार वो मुंबई जा रहे थे तो शायद ट्रेन में से नीचे बहुत भीड़ था, फिर एक स्टेशन में आया एमपी में कहीं, तो उतरे, उतरने के बाद एक कूड़ी वाला शायद कूड़ी बेच के आ रहा था, तो क्या हुआ वो तो तेजी में भाग रहा था, जैसे उतरे उनमें लड़े, लड़ने के चलते क्या होगा सारा सब्जी सारा कूड़ी जो है उनका सब्जी में गिर गया। सब्जी में गिरने के कारण क्या हुआ, उनकी गलत तेज से ज्यादा तो ये जैसे उधर से नीचे उतरे ये पीछे से जाके धकेल दिया और उल्टे में क्या कर दिया करके एक थप्पड़ पटक से मारे। मारने के बाद सोचने लगे क्या हुआ, बाकी लोग सब कोई देख रहा है, तो उल्टे में ये उनसे क्या कर रहे हैं, सारी माफ कीजिए मैंने, फिर भी वो गुस्सा हो रहा था, वो देख रहा है कि गाड़ी कहां से आ रही है, बिहार से, हां ये बिहार वाला है, करके क्या कर दिया उसको, फिर मारने के लिए जा रहा था, तब तो दूसरा वाला आपने बोला कि इसके मतलब ये नहीं है कि ये वापस मार नहीं सकते, मार सकते हैं, ये अट्ठा कट्टा आदमी है मार सकता है, सकते हैं, लेकिन क्या किए नहीं, परमेश्वर का स्वभाव हमें इसके चलते वो पूछ लिया आप कहां से आए हो, बोले बिहार, बोले नहीं आप बिहार का नहीं, वो बोलती है आप बिहार का नहीं, लगता है आपको देखने में मद्रासी लगता, मैंने वो क्या सोचा पता नहीं, वो उनके मन में ऐसा लग गया, तब तक क्या हुआ लोग आकर के उल्टे उसको डांटने लगे, लेकिन उसका साथ जरूर नष्ट हुआ जिसके चलते उसका को आक्रोश को क्या किया मार के उसको अंदर से वो ये कर लिया, लेकिन वो गलती उनका था, लेकिन हमें कहने का मतलब मारना थे भी मार सकते थे, शांत हो गया, अच्छा ठीक है, ऐसा करके शांत होने के चलते वो बोला जरूर तुम्हारा विशेष तुम्हारा अंदर कुछ ऐसा है, तुम या बिहार क्या होते हम एकदम क्या कर देता, तो खत्म कर देता यहीं पर गाड़ के तुम हमको दफना देता, लेकिन नहीं उन्होंने बोला ना मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ जिसके चलते मैंने तुमको नहीं मारा, यीशु सुनते से प्यार करता, बस वो गाड़ी खुल गई ये भी चढ़ गए। कहने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है, इसका मतलब अपना ताकत दिखा करके इन दिनों में हम देखते हैं कि इतने मसीह लोगों को मार के बेमतलब से बिना वेग के आजकल जेल में है, यदि वो लोग चाहेंगे वे लोग वहां पर लड़ सकते थे, ऐसा बात नहीं है। कल मैंने एक मोबाइल में देखा कुछ लोग धरना कर रहे थे एमपी में कि कहीं कर रहे थे, वो एक काफी आदमी उसे लड़ने लगा जो न्यूज रिपोर्टर था, उन्होंने बोला तुम हमको 4 साल के पहले देखा होता मैं कौन हूँ करके तुम जानता, 20 साल में कैसा मेरा जीवन था किसी ने मेरे पास आकर के मेरे जीवन को नहीं बदला, और 2 साल मैंने पियकट बन गया गंजा ले रहा था उस समय मारपीट करने में तेज था, अभी 2 साल से यीशु मसीह को जानने के कारण मैं ठीक हो गया, अभी आकर के तुम हमसे पूछता है कि तुम धर्मांतरण कर रहा है तुम ये हो गया, 4 साल के पहले तुम वहां करके मेरे जीवन मिलता तो पता चलता कि मैं कौन था। प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 22 का 37 से 39 तक लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सिखाया हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हमारा पड़ोसी कौन है कि हमारा अगल बगल में रहने वाले, हमारे साथ में रहने वाले, हम काम करने के जगह में साथे हैं वहां हमारे बगल में बैठने वाले, उन लोगों का साथ हमारा स्वभाव कैसा है, परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया, कई ऐसे लोग हैं बाइबल में हम देखते हैं, दाऊद के बारे में हम जानते हैं, दाऊद जब वो गुफा के अंदर वो बैठा हुआ था उस समय उस
उसके सामने राजा सौल उसको ढूंढते हुए जा रहा था दाऊद को मारने के लिए। दाऊद एक सेकेंड उसको कपड़ा पकड़ के उसको वहीं पर मार सकता था, उसके साथ में रहने वाला पर मारो मारो मारो, नहीं मैं नहीं मार सकता। उसके अंदर जरूर ताकत है, कई फिलिस्तीनियों को मारा, अकेले जाके लड़ा है, इतना बड़ा गोलियात को मार गिराया, फांस में आया, सौल को मार गिराने में उनको ज्यादा ना समय नहीं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव वो नम्रता और धीरता से भरा होने के कारण उसको वस्त्र को निकाल, नहीं आप परमेश्वर के अभिषिक्त राजा है, इसके कारण मैं आपको छोड़े। जब सौल पूछा तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, नहीं राजा मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, तुम आप तो परमेश्वर के द्वारा अभिषेकित किया हुआ राजा है, मैं आपको छू नहीं सकता है। कि वैसा दिल परमेश्वर से मांगे, कि परमेश्वर से कहे कि हमारा जो नम्रता के जो शब्द जो होता है, बड़ा बड़ा पहाड़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं, कितने भी बड़ा ऐसा एक बहुत ऐसे बातें हम बता सकते हैं, ऐसे ऐसे कठोर दिल वाले एकदम कठोरता से एकदम बॉडी बिल्डर एकदम अपने आप को सोचता था लो कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ वो हूँ, एक उंगली में इस लोगों को मार के गिरा सकता हूँ, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन लोगों के अंदर जब उन लोगों ने उनको जब प्रकट करता था लोग पिघल जाता था। हालेलुया, क्या बड़ा बड़ा पहाड़ों को भी क्या करता है, पिघल सकता है, कारण हम परमेश्वर का प्रेम को उनके उनके सामने क्या करते हैं, प्रकट करने के कारण क्या होता है कि वो आदमी पिघल सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का इन जो नम्रता को हमारा जीवन में लाने के लिए तीन बात हम बताते हैं, ऑलवेज ट्राई टू बी पेशेंट विद अदर्स इवन व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटिंग यू, यानी हम सबसे पहले हमें हमेशा थोड़ा सा जरूर हम काम करने के जगह में चाहे कलीसिया में चाहे जहां भी जाते हैं कि लोगों के सामने हमें धीरज के साथ रहना है, जरूर वे हम लोगों को गुस्सा दिलाएगा, हमारा अंदर से ऐसा हमको आक्रोशित दिलाने के जैसा लगेगा, लेकिन उनके सामने हमें धीरज से रहना है। हालेलुया, सेकंड जो है स्लो टू बी एंगर एंड क्विक टू फॉरगिव। हालेलुया, कि हमें गुस्सा करने में क्या करना है, थोड़ा सा धीमी करना है लेकिन उनको क्षमा करना है। हालेलुया, ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसको हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। तीसरा, बी जेंटल इन योर वर्ड्स एक्शन एंड रिएक्शन। हालेलुया, अपने शब्दों में क्रिया और प्रतिक्रिया में नम्र रहे। हालेलुया, तब हमारा जेंटलनेस हमारा नम्रता वहां पर प्रकट होगा। जरूर हमारा अंदर ताकत है, जरूर हमारा अंदर बहुत ये है, लेकिन वहां पर हम क्या करना, अपना वर्ड्स बोली के द्वारा, अपना एक्शन के द्वारा, अपना क्रिया के द्वारा, अपना प्रतिक्रिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हम क्या कर सकते हैं, वहां प्रकट कर सकते हैं। कारण प्रभु यीशु मसीह ने बताया, लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। हालेलुया, मत्ती 11 का 29 में लिखा है, लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो, नम्रता और दीनता में रहने के लिए मुझसे सीखो। हालेलुया, धीरज से रहता है वो परमेश्वर के साथ राज भी कर सकता है। हालेलुया, तो धीरज धर के रहता है वो क्या करेगा, परमेश्वर के साथ राज्य भी कर सकता है। आइए इस वक्त परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपते हुए प्रभु से कहेंगे प्रभु धीरज के साथ, प्रभु आपने आज हमें धीरज नम्रता के बारे में सिखाया, जेंटलनेस के बारे में सिखाया, प्रभु हमें आपके समान बनने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। जरूर हम मनुष्य होने के नाते हमारा अंदर क्रोध भटक जाता है, शब्दों से लोगों को हम बोल करके उन लोगों को ये मार देते हैं, अपने क्रिया के द्वारा प्रतिक्रिया के द्वारा लोगों को हम चोट पहुंचाते हैं, कि कभी कभी परमेश्वर हम लोग प्रभु इस बात को नहीं समझने के कारण हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें सहायता कर, उस नम्रता उस जेंटलनेस हमारा अंदर आने पर, आपके अंदर जो जेंटलनेस था, आपके अंदर जो नम्रता था, मेरे अंदर आने पर, ताकि हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की जो परमेश्वर के द्वारा जो आत्मा हमारा अंदर, पवित्र आत्मा के जो फल हमारा अंदर जो तूने डाला है, उसको अपने काम में लाने के लिए सहायता कर। मुझसे नहीं होगा पवित्र आत्मा, आपके द्वारा हमें सहायता चाहिए,
कि हमारा अंदर वो नम्रता चाहिए। सहायता कीजिए परमेश्वर, काम करने के जगह में, कलीसिया में, गाड़ी में जाने के समय कई बार हम आक्रोशित हो जाते हैं, कई बार हम अपने आप को सोचते हैं कि नहीं, हम अंदरून हम स्ट्रांग है, हमारा सॉफ्ट टच जो है बहुतों को जीवन को बदल सकता है। जो बहुत बड़ा गलती करके आया होगा उसके साथ हम नम्रता के साथ उससे हम बात करेंगे, इतना बड़ी बड़ा पहाड़ भी हो सकता है, वो पिघल सकता है। परमेश्वर कहा कि जरूर अपने एक थप्पड़ जरूर मारेगा तो अपना दूसरा गाल दिखाने के लिए वचन में लिखा है। बहुत कष्ट है लेकिन हम प्रयास का हम अभ्यास करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन सारे बातों को करने में बहुत कठिन है लेकिन पवित्र आत्मा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा इज अ जेंटल स्पिरिट। हालेलुया, वो बहुत नम्र दिल वाले हैं जिसके कारण उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना है। इसीलिए हम प्रभु से कहेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो हमारा अंदर नम्रता जो जेंटलनेस ने स्पिरिट तुमने डाला है सहायता कर प्रभु जी, हम नम्रता के साथ जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु जी अनुग्रह कार्यक्रम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारा अंदर जेंटलनेस उस नम्रता के जो फल हमारा अंदर जो तुमने डाला है सहायता कर नम्रता का साथ जीवन बिताने के लिए। आपने कहा लर्न फ्रॉम यू, मुझसे सीखो आपका परमेश्वर, आपसे हम सीख रहे हैं। प्रभु हम प्रयास करते हैं पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, हम सब किसी को मदद कर ताकि वैसे हम चल सके। आशीष दे अनुग्रह दे यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो दे सकते हैं। आमीन।